हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको जो है सोल्डरिंग आयरन बनाकर सिखाएंगे। तो इस तरीके की आप सोल्डरिंग आयरन मार्केट से 30-40 रुपए की आपको आसानी से मिल जाएगी। ये बहुत ही बेकार होती है यार, ये अच्छे से वर्क नहीं करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जब मैं इसे यूज करता था तो इसका जो है ऊपर का हैंडल भी निकल जाता था और आगे की ओर सरक भी जाता था। तो आज हम इसी को ही मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से जो है, तो इसको हम जो है आप देख सकते हो 35 वाट की यहाँ पर हमारी जो है ये सोल्डरिंग आयरन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है इसके वायर सब शॉर्ट हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें इस पर भी एक वीडियो बना दी जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलिमेंट इसका पूरा बेकार है। तो इसका एलिमेंट जो आपको रख लेना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा माइक्रो वायर होता है। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज़ करोगे तो बहुत ही आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 35 वाट का एलिमेंट लिया है जो हमको 10 रुपये का पड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा कुछ मटेरियल कुछ इस प्रकार से जो मैं यूज करने जा रहा हूँ। तो इसका जो ब्लैक कलर का जो हैंडल है वो हम यूज नहीं करेंगे। तो उसकी जगह पे जो है यहाँ पर हम जो है ये लकड़ी का वुड का जो है हैंडल यूज़ करेंगे। और वायर अगर आपकी शॉर्ट है तो आप चेंज कर सकते हो, अगर नहीं शॉर्ट है तो आप वही जो है वायर आपको लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले इसके अंदर आपको फिट कर लेना है। तो फटाक से मैं इसको जो है आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से हमको फिट कर लेना है। तो सबसे पहले इस प्रकार से हमको इसके अंदर जो बिट डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको लगा देना है, अच्छे से आपको फंसा देना है इसको भी, ग्रिप को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको भी लगा देना है, फटाक से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ बहुत ही सावधानी से। इसके बाद यहाँ पर आपको इसी इसका जो है चेन जो है वहीं पर आपको रख देना है। उसके बाद नीचे स्क्रू डाल देना है इस प्रकार से, आप देख सकते हो। इसके बाद जो इसके अंदर से आप राउंड राउंड की तरह एक वो दिख रहा है, उसके अंदर से आपको जो है वायर्स निकाल देने हैं दोनों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मैं निकाल रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे निकाल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मैंने निकाल दिया है, तो ऐसे ही आपको निकाल लेना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमने इसको निकाल दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद इस प्रकार से इसको हम फिट कर देंगे ऊपर की ओर। तो यहाँ पर हमारा समझो तो 50% वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे इसकी मेन पॉइंट तो इसका हैंडल, जो आप इसे मार्केट से परचेस करोगे तो बहुत ही बेकार इसका हैंडल होता है, और जो है ये निकल भी जाते हैं सोल्डरिंग आयरन बहुत बार यूज करने में। इसकी जो है आगे की बिट भी हिलने डुलने लगती है। तो इस मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बना दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसका स्क्रू बहुत ही सावधानी से इसका टाइट कसना है, आपको हिला नहीं ढीला नहीं रखना है, वरना आपकी जो है बिट जो है हिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारा हैंडल है। तो मैंने हैंडल छोटा रखा है क्योंकि मुझे कंफर्टेबल रहे उतना ही मैंने रखा। अगर आपको कंफर्टेबल जितना आपको लग रहा है उतना ही रखें। तो इसके अंदर से जो है हमारी एक प्लास्टिक रबर की जो है ट्यूब निकली थी, तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे जिससे कि कभी वायर शॉर्ट हो तो हमारे हाथ में जो है करंट ना लगे। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, तो यहाँ पर हम लगा देंगे। इसके बाद इसको जो फेविकोल से यहाँ पर हम चिपका देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हम जो है वायर डाल देंगे इसके अंदर से। इसके बाद हम कनेक्शन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर एक हम गिट्ठा लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मैंने गिट्ठा लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लगा देख सकते हो गांठ मैंने लगा दी है यहाँ पर। इसके बाद इसके जो है कनेक्शन बहुत ही सिंपल से, तो ये दोनों में आपको कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मैं इसके कनेक्शन कर रहा हूँ। तो फटाक से मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, तो बहुत ही आपको सावधानी से कर लेना कनेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर जो फाइबर स्लिप यहाँ पर हम चढ़ाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो उसके बाद यहाँ पर इस पर भी हम लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर हम टेप कर देंगे पूरे। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से जो है हमारा बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम टेप लगा देंगे इसके ऊपर। तो कुछ इस प्रकार से इसको लगा दें, फिर इसके अंदर जो है आपको डाल देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद ये हैंडल को हम अंदर कर देंगे फटाक से इसको, जिससे कि हमने गांठ इसलिए लगा दी क्योंकि कभी जो है अगर हमारी सोल्डरिंग आयरन गिर भी जाती है तो गांठ से जो है रुक जाएगी और हमारे जो अंदर के कनेक्शन जो है नहीं टूटेंगे। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इसको अंदर डाल दिया यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ पर हम जो है इसे मैंने हीट करके आप दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसका गर्म कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, तो किस देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको आयरन भी मेल्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
वायर, सोल्डरिंग वायर भी यहाँ पर मैं आपको मेल्ट करके दिखा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।